नमस्कार, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और चलिए रुक करते हैं फटाफट खबरों का। सीएम योगी की समीक्षाओं का दौर जारी, आजमगढ़ मंडल का सीएम योगी करेंगे समीक्षा बैठक, शाम को 6 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे समीक्षा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू कल ने केसर व्यवसायी इंद्रकांत त्रिपाठी के परिजनों से मुलाकात करने पहुंचे, घटना के बारे में उन्होंने जानकारी ली। अजय कुमार लल्लू ने कहा कि जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो कानून व्यवस्था का क्या आलम होगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को जवाब देना पड़ेगा। गाजियाबाद के कौशाम्बी स्थित एंजल मॉल में अवैध रूप से हुक्काबाज चल रहा था। सूचना पर एडीएम सिटी और एसपी सिटी की टीम ने मौके पर छापेमारी की, जहां पर 50 से ज्यादा लड़के लड़कियों को हिरासत में लिया गया, जिसके बाद मॉल और हुक्काबार पर भी कार्रवाई की जा रही है। हुक्काबार से जुड़े कर्मचारियों को भी हिरासत में लिया गया। गाजियाबाद एडीएम सिटी और एसपी सिटी ने छापेमारी की। बताया जा रहा है कि यहां पर जमकर शराब परोसी जा रही थी और साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी नियमों का सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही थी, डांस भी हो रहा था। कौशाम्बी के मंजनपुर कोतवाली इलाके में शराब खरीदने गए युवक को ठेके पर मौजूद दबंगों ने बेरहमी से पीटा। दुकान पर मौजूद लोगों ने शराब की खुली बोतल देने की कोशिश की और साथ ही 500 रुपए के नोट में से बचे हुए पैसे नहीं दिए। इसके बाद युवक की पिटाई की गई। युवक ने इस बात का विरोध किया तो वहां पर मौजूद 6 लोगों ने लात घूंसों से बेरहमी से उसे पीटा। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। पुलिस ने अब इस पूरे मामले पर मुकदमा दर्ज किया। वीडियो के आधार पर दबंगों की तलाश शुरू कर दी। सीतापुर में लव जिहाद के मामले में पुलिस ने किशोरी को बरामद कर लिया। पिछले 3 दिनों से किशोरी लापता थी। परिजनों ने मदरसे में बंद करने का आरोप लगाया था। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी। परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस लगातार युवती की तलाश कर रही थी। मचरहेटा थाना इलाके का पूरा मामला है। गाजियाबाद में घर के छत से जा रही बिजली के तारों की चपेट में आने से पति पत्नी और 10 साल की मासूम बच्ची घायल हुए हैं। लोगों ने बिजली विभाग पर लापरवाही के आरोप लगाए। इलाके में परिवार 4 दिन पहले किराए पर रहने आया है। पति पत्नी और बेटी को घायल हालत में जिला अस्पताल भर्ती करवाया गया। लोगों का आरोप है कि पहले भी इस तरह के हादसे यहां पर होते रहे हैं। सालोन में पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से जारी किए गए परिणामों में सिविल सर्विसेज सबोर्डिनेट परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं और इस दौरान जालौन के लाल ने प्रदेश में जनपद का नाम रोशन किया। विपिन शिवहरे ने पीसीएस की परीक्षा में उत्तर प्रदेश में 4वां स्थान प्राप्त किया। जैसे रिजल्ट घोषित हुआ उसके बाद विपिन के घर पर बधाई देने वालों का तांता लग गया। कानपुर में लव जिहाद का मामला सामने आया। गोविंद नगर थाना इलाके का मामला, जहां पर लड़की के परिजनों का आरोप है कि एक मुस्लिम युवक उनकी बेटी से हिंदू बनकर बात करता था, उसे भगा ले गया। हालांकि अब लड़की को पुलिस की ओर से तलाश किया गया। रा के गजरौला थाना इलाके में पुलिस की बाइक सवार बदमाशों से मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान पुलिस की गोली लगने से 25,000 का एक इनामी बदमाश हेमराज घायल हो गया। मुठभेड़ में एक सिपाही को भी गोली लगी। बदमाश का दूसरा साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। फरार बदमाश की तलाश पुलिस कर रखी है। पुलिस ने एक बाइक, एक तमंचा और 4 कारतूस बरामद किए। गाजियाबाद में पेरेंट्स एसोसिएशन के भूख हड़ताल खत्म होने के बाद सभी अभिभावकों ने अब फिर से आंदोलन शुरू कर दिया है। सभी पेरेंट्स शास्त्री नगर स्कूल पर इकट्ठा हुए। यहां पर उन्होंने स्कूल के बाहर मोमबत्ती जलाकर विरोध जताया। अभिभावकों ने कहा कि प्रशासन हमें दबाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हम दबने वाले नहीं हैं। अभिभावकों ने बताया कि हम शांतिपूर्ण तरीके से अपने मार्च को कर रहे हैं, फिर भी पुलिस और प्रशासन डरा रहा है। उधर कानपुर में पुलिस ने ऑनलाइन सट्टा खेलने वाले गैंग का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने छापेमारी के दौरान 6 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 93,73,000 रुपये जब्त किए गए। पुलिस ने 27,000 नेपाली करेंसी भी बरामद की है। नोट गिरने के लिए पुलिस को मशीन मंगानी पड़ी। 11 मोबाइल, 1 लैपटॉप और 1 रजिस्टर बरामद किया गया। पकड़े गए लोग क्रिकेट मैच पर सट्टा लगाने और लगवाने का काम करते हैं।
सरकार भले ही महिलाओं की सुरक्षा को लेकर लाख दावे कर लें, लेकिन हकीकत इससे अलग है। गोंडा के उमरी बेगमगंज थाना इलाके में अमरूद तोड़ने निकली दो नाबालिग बच्चियों के साथ किसी के गांव के ही एक युवक ने रेप किया। घटना की जानकारी जब नाबालिग बच्चियों के परिवार वालों को मिली तो परिवार में हड़कंप मच गया। घटना के बाद परिवार वालों ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। सीतापुर के माहौली कोतवाली इलाके में बुजुर्ग को गोली मारकर हत्या की गई। बुजुर्ग पर चाकू से हमला किया गया। हत्या के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया। लखनऊ के गोमतीनगर विस्तार थाना इलाके में मानसरोवर होटल में आग लग गई। आधा दर्जन फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया। आग लगने से लाखों का नुकसान हुआ है। नोएडा के सेक्टर 49 थाना इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। फायरिंग के दौरान एक बदमाश घायल हुआ। तीन बदमाश भागने में कामयाब रहे। फरार बदमाश की तलाश पुलिस की ओर से की जा रही है। बदमाश के पास से एक पिस्टल, कार और कारतूस बरामद किया गया। श्रावस्ती के ब्लॉक हरिहरपुर इलाके में रहने वाले लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा। विकास की गंगा भी जौगढ़ गांव तक नहीं पहुंची, बस फाइलों तक ही सीमित है। इस गांव में न सड़कें बन पाई हैं, न ही नालियों का अता पता है। गांव में गंदगी का अंबार है और ग्रामीणों को आने जाने में मुश्किल का सामना करना पड़ता है, जिससे किसी भी प्रकार की दुर्घटना कभी भी हो सकती है। कोरोना काल में आम आदमी की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। रोजमर्रा की चीजों के साथ अब सब्जियों की कीमतें भी सातवें आसमान पर पहुंच चुकी हैं। देश में एक बार फिर से बढ़ती महंगाई ने आम जनता की कमर तोड़ दी है। वहीं बाजार में टमाटर प्याज 70 रुपए से 80 रुपए प्रति किलो तक बिक रहे हैं। वहीं आलू के दाम 50 से 60 रुपए प्रति किलो हो गए तो बाकी सब्जियों के दामों में भी इजाफा हुआ। दिल्ली एनसीआर समेत देश के कई हिस्सों में जो सब्जियां 20 से 30 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिकती थी, उन्हीं सब्जियों के दाम अब 100 रुपए के पार चले गए हैं। पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति पर कार्रवाई की गई है। न्यायिक हिरासत में गायत्री प्रजापति को भेजा गया। वकील दिनेश चंद्र त्रिपाठी ने शिकायत की थी। धोखाधड़ी, जालसाजी, धमकी देने को लेकर के केस दर्ज किया गया है। बुलंदशहर कोतवाली देहात इलाके में बेकाबू ट्रक ने दो बाइक सवारों को रौंदा। हादसे में तीन लोगों की मौके पर मौत हुई है। युवक की पीट कर हत्या का मामला, आईजी लक्ष्मी सिंह ने कार्रवाई की। मलियाबाद इंस्पेक्टर सियाराम को यहां पर सस्पेंड किया गया। घटना को छिपाने और लापरवाही बरतने पर कार्रवाई की गई। आरोपियों के खिलाफ एनएससी लगाने की तैयारी की गई है। कासगंज के सदर कोतवाली इलाके में आर्थिक तंगी से परेशान एक शख्स ने आत्महत्या कर ली। कर्ज के चलते कुछ दिनों से परेशान था मृतक राकेश, रस्सी से फंदा लगाकर मौत को गले लगा लिया। अम्बेडकर नगर के भीटी थाना इलाके में आपसी विवाद में मारपीट हुई है। दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। मारपीट में आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। कानपुर देहात के रसूलाबाद कोतवाली इलाके में एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकाला, जांच शुरू कर दी। शव को देखकर अंदेशा लगाया जा रहा है कि व्यक्ति की हत्या कर शव को नहर में फेंका गया है। शव बहते बहते बम्बे पुलिया में आकर फंस गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। भदोही के औराही कोतवाली इलाके में बदमाशों के हौसले बुलंद है। सराफा व्यापारी से 1 लाख रुपए की चांदी की लूट की गई। बाइक सवार बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। विरोध करने पर बदमाशों ने व्यापारी की पिटाई भी की। बलरामपुर के उतरौला क्षेत्र में छिपाकर रखी गई भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री को पुलिस ने बरामद कर लिया। पकड़ी गई विस्फोटक सामग्री एक लाइसेंसधारी पटाखा व्यवसायी की है, जो कि दूसरे स्थानों पर छिपाकर रखी गई थी। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने छापेमारी की। लगभग 1 पिकअप विस्फोटक सामग्री बरामद की है। पुलिस ने बताया कि पकड़ी गई सामग्री की कीमत का आंकलन अभी तक नहीं किया जा सका है। अजमतगढ़ थाना इलाके में आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर विवाद हो गया। युवकों ने चौकीदार पर हमला किया। लाठी डंडों से इसकी पिटाई की। हमलावर मौके पर बाइक छोड़कर फरार हो गया। हमले की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई हैं। पुलिस ने 18 लोगों पर मामला दर्ज किया। मारपीट के मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। प्रतापगढ़ के मानिकपुर थाना इलाके में सपा जिलाध्यक्ष की गुंडई सामने आई। दलित महिला के घर में घुस करके पिटाई से 2 युवक गंभीर रूप से घायल हुए हैं।
वीडियो वायरल होने पर एफआईआर दर्ज की गई है। तीन लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया। उन्नाव के बारा सगवर थाना इलाके में दबंग पूर्व ब्लॉक प्रमुख के समर्थकों की गुंडई सामने आई। समर्थकों ने ग्रामीणों के साथ मारपीट की। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। किसान के जमीन पर जबरन कब्जा करने के आरोप है। महोबा में इंडिया न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ। तत्कालीन एसपी और तत्कालीन एसओ पर संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। दो विस्फोटक व्यापारी और पुलिसकर्मियों पर भी केस दर्ज हुआ है। मुरादाबाद के मझोला थाना इलाके में दबंगों का आतंक। दबंगों ने लाठी डंडों से पल्लेदार को पीटा। मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद। उन्नाव के सदर कोतवाली इलाके में तेज रफ्तार डंपर की चपेट में एक बाइक सवार आ गया। हादसे में बाल बाल बची बाइक सवारों की जान। तस्वीरें सीसीटीवी में कैद। कानपुर के नौबस्ता थाना इलाके में गालीबाज दरोगा का वीडियो वायरल हुआ है। मकान खाली कराने के विवाद में दरोगा पहुंचा था। दरोगा ने पड़ोस में रहने वाली महिला को गंदी गालियां दी। कानपुर देहात के रसूलाबाद तहसील से दबंगई का वीडियो सामने आया। वीडियो में तीन लोगों पर चोरी का आरोप लगाकर जमकर उनकी पिटाई की गई। लखीमपुर खीरी के मजगई थाना इलाके में मनचले की पिटाई करने का मामला सामने आया। पिटाई के बाद मनचलों को पुलिस के हवाले किया गया। वीडियो वायरल हुआ। तीन दिन पहले की घटना बताई जा रही है। कानपुर के कल्याणपुर में शराबियों का शिकार हुई पुलिस। पीआरवी के सिपाहियों पर शराबी टूट पड़े। सिपाहियों का मोबाइल छीनने की कोशिश। गाड़ी का शीशा बंद कर जान बचाकर भागे सिपाही। औरैया में हुई व्यापारी कैलाश दीक्षित की हत्या के मामले में सियासत तेज हो गई। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी और सांसद संजय सिंह मृतक के घर पहुंच करके शोक संवेदनाएं अर्पित की। संजय सिंह ने प्रदेश की बीजेपी सरकार को इस दौरान घेरा। उन्होंने कहा कि प्रदेश की कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। प्रदेश में लगातार ब्राह्मणों की हत्या की जा रही है। औरैया में व्यापारी कैलाश दीक्षित की हत्या के मामले में डीजी कानपुर रेंज ने परिवार से मुलाकात की। परिजनों से मिलकर कार्रवाई का भरोसा दिया। अभियुक्तों पर गैंगस्टर एक्ट रासुका लगाने की बात कही। गोंडा में व्यापारी से रंगदारी मामले में गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया। हार्डवेयर व्यापारी से 50 लाख रुपए की रंगदारी की मांग की गई। गिरफ्तारी से पहले पुलिस की बदमाशों से हुई मुठभेड़। एक बदमाश ने पुलिस की टीम पर फायरिंग की। पुलिस की टीम ने घेराबंदी कर सभी को गिरफ्तार किया। संभल में बीजेपी जिलाध्यक्ष और कोतवाल में नोकझोंक हुई। बीजेपी विभाग की जेई पर कार्रवाई कराने पहुंचे थे थाने। ग्रामीण की शिकायत के बाद धनारी थाने पहुंचे थे। पुलिस पर जिलाध्यक्ष सोमवीर खड़ागवंशी ने अभद्रता के आरोप लगाए। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी भी की। मामला बढ़ता देखकर एसपी ने संज्ञान लिया। कोतवाल दो सिपाहियों के साथ तीन पुलिसकर्मी लाइन हाजिर किए गए। रामपुर में इंडिया न्यूज की खबर का असर हुआ है। डीएम राम भरत तिवारी के आवास के सामने सफाई हो गई। नगर पालिका की ओर से एसडीएम के आवास के सामने कल सफाई करवाई गई। एडीएम राम भरत तिवारी के आवास के सामने पीपी किट को कूड़े की गाड़ी में भरकर फेंका गया था। आवास के बाहर ये मास्क ग्लव्स पीपी किट पड़े हुए थे। इंडिया न्यूज ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था। जौनपुर में जमीन विवाद में पुलिस की टीम पर हमला हुआ। पथराव में सीओ समेत तीन पुलिसकर्मी घायल हुए। एसपी ने पुलिस फोर्स के साथ मोर्चा संभाला। पुलिस ने 6 लोगों को हिरासत में लिया। प्रतापगढ़ में वकीलों का हंगामा। पुलिस ने वकीलों पर लाठीचार्ज किया। चेकिंग को लेकर वकीलों और पुलिस में कासुनी हुई। तनाव को देखते हुए भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई। दिल्ली के मंडोली जेल से गाजियाबाद में रहने वाले युवक की हत्या की साजिश रची गई। बीती रात सलोनी के प्रेमनगर में सोनू नाम के युवक की गोली मारकर हत्या की गई थी। मामले में पुलिस ने खुलासा किया कि हत्या करवाने वाला कोई गैर नहीं बल्कि सोनू की सगी बहन वारिसा है। दिल्ली के मंडोली जेल में एक अन्य मामले में बंद सोनू के भांजे ने हत्याकांड की साजिश रची थी। कानपुर देहात के तहसील अकबरपुर इलाके में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई। जर्जर बिजली के तार टूटकर गिर पड़े। करंट की चपेट में 10 लोग आ गए। कासगंज के सोरो कोतवाल इलाके में दो कारों में जबरदस्त भिड़ंत हुई। हादसे में एक परिवार के 3 लोगों की मौत होने की खबर है। 2 लोग घायल हुए हैं। पीलीभीत में मछली के शिकार का वीडियो वायरल हुआ। संरक्षित प्रजाति के मछली गौच का शिकार सरेआम किया जा रहा है। यह प्रतिबंधित मछली है। शारदा सागर डैम की घटना है जहां पर ग्रामीण शिकार कर रहे हैं। कानपुर के बर्रा इलाके में प्रॉपर्टी डीलर की अपहरण के बाद हत्या कर दी गई। दोनों आरोपी
भाई निकले, पुलिस ने गिरफ्तार किया। मृतक के परिजनों ने पुलिस पर झूठ बोलने के भी आरोप लगाए। कानपुर के नवाबगंज थाना इलाके में एक शख्स का शव सड़क के किनारे पड़ा मिला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत का कांग्रेस में फिर से जलवा दिखाई दिया। पंजाब के प्रभारी बनाए गए तो देवेंद्र यादव को उत्तराखंड का कांग्रेस प्रदेश प्रभारी पद की जिम्मेदारी सौंपी गई। बाघों का गढ़ कहे जाने वाले विश्व प्रसिद्ध कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का बिजरानी जोन पर्यटकों के लिए 15 अक्टूबर से इसे खोला जा रहा है। वन्य जीवों के दीदार करने पर्यटक देश ही नहीं विदेशों से भी यहां पर पहुंचते हैं। पार्क खोलने के लिए कॉर्बेट पार्क प्रशासन तैयारी कर रहा है। इस बार कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में पहली बार 15 अक्टूबर से नाइट स्टे शुरू किया जा रहा है। ढिकाला जोन में पर्यटन 15 नवंबर से शुरू होगा। पर्यटन कारोबारियों की मांग है कि बिजरानी ढेला और झिरना में 1 अक्टूबर से डे विजिट और नाइट स्टे शुरू किया जाए। कुशीनगर के दरिया सुजान थाना इलाके के तमकुई राज में पुलिस क्षेत्र अधिकारी की गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई। नेशनल हाईवे 28 पर पलटी सीओ की गाड़ी, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। हल्द्वानी नगर निगम के वार्ड संख्या 11 के लोग निगम प्रशासन की लापरवाही के शिकार हैं। बेहतर साफ सफाई के लिए डोर टू डोर कूड़ा उठाने का दावा करने वाला निगम अपनी गाड़ियों में वार्ड संख्या 11 को लोगों को जमकर धमका रहा है। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। राज्य में संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 28,000 के पार पहुंच गया, जिस पर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में उन्होंने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए अस्पतालों में उचित व्यवस्था मुहैया करवाने की मांग की। स्वास्थ्य सचिव ने भी उन्हें उचित कार्रवाई का भरोसा दिया। देहरादून में एबीवीपी के छात्रों ने महाराष्ट्र सरकार का पुतला फूंका। अभिनेत्री कंगना रनौत के समर्थन में छात्र नारेबाजी करते हुए देखे गए। हरिद्वार में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ऋषिपाल अंबावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सरकार पर जुमलेबाजी करने के आरोप लगाए। उन्होंने कोरोना काल में हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक पर हरिद्वार की उपेक्षा करने के भी आरोप लगाए। उत्तराखंड में बदलते मौसम के साथ डेंगू को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो चुका है। हल्द्वानी प्रशासन पहले ही अलर्ट पर है। नैनीताल में पिछले साल डेंगू ने कहर बरपाया था, इससे कई लोगों की जान गई थी। पिछले साल के आंकड़ों की तुलना में इस बार स्वास्थ्य महकमा और प्रशासन की कोशिश है कि डेंगू की शुरुआत ही ना होने दी जाए, शुरुआती तौर पर लार्वा को नष्ट किया जाए। देश भर में कोरोना का कहर जारी। पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड 97,654 नए केस आए। कोरोना मरीजों की संख्या 46,57,000 के पार पहुंच गई। भारत में अभी करीब 9,57,787 कोरोना के एक्टिव केस हैं और 36,21,000 से ज्यादा लोग वायरस से ठीक भी हुए हैं। उत्तर प्रदेश में फूटा कोरोना बम। पहली बार 7,000 से ज्यादा केस, 7,016 नए मरीजों के साथ अब 67,000 से ज्यादा एक्टिव केसों की तादाद। 24 घंटे में 76 कोरोना के पॉजिटिव मरीजों की मौत हुई है। उत्तराखंड में कोरोना का कहर जारी। पिछले 24 घंटे में 995 नए केस सामने आए। प्रदेश में लगभग 30,000 तक पहुंचा आंकड़ा। एक्टिव मरीजों की संख्या 9,000 के पार। दिल्ली में कोरोना वायरस के 4,266 नए मामले सामने आए, जबकि 21 मरीजों की मौत हुई। इसी के साथ ही दिल्ली में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की कुल संख्या बढ़कर 2,09,748 तक पहुंच चुकी है। राजधानी दिल्ली में अब तक इस खतरनाक वायरस से 4,687 मरीजों की मौत हुई है। दिल्ली में एक्टिव मरीजों की संख्या 26,000 के पार है। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा 10,00,000 के पार पहुंच गया। एक दिन में रिकॉर्ड 24,886 नए मामले सामने आए। महाराष्ट्र में ये मामले लगातार बढ़ रहे हैं। पुणे, मुंबई और ठाणे महाराष्ट्र राज्य के 3 ऐसे शहर हैं जहां पर मामले 1,00,000 से ज्यादा हैं, जबकि महाराष्ट्र में अब तक कुल 28,724 लोगों की मौत हुई है। परेश रावल को नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की ओर से नियुक्ति की गई। केंद्रीय संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने ट्विटर पर इसकी घोषणा की। अक्षय कुमार जल्दी अपनी वेब सीरीज द एंड में नजर आएंगे। यह वेब सीरीज अमेजॉन प्राइम वीडियो पर रिलीज होगी। सलमान खान की सुपरहिट फिल्म दबंग को आज 10 साल पूरे हो गए। फिल्म की हीरोइन सोनाक्षी सिन्हा ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, मुझे यकीन नहीं हो रहा इस फिल्म को 10 साल पूरे हुए हो गए। नहीं लगता साहब, प्यार से लगता है।
कमाल करते हो पांडे जी, हम थोड़ी ना कोई गुड बॉय है। प्रिया प्रकाश वॉरियर अपनी सुरीली आवाज से लोगों को अपना दीवाना बना रखी है। प्रिया का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, इसे प्रिया ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया। रियलिटी शो बिग बॉस का ग्रैंड प्रीमियर 4 अक्टूबर को होना है। बिग बॉस का ये 14 सीजन है, 4 अक्टूबर से ऑन एयर होगा। मॉडल एक्ट्रेस पूनम पांडे बॉयफ्रेंड सेम बॉम्बे के साथ शादी के बंधन में बन चुके हैं। कपल की शादी की फोटोज इंटरनेट पर जमकर वायरल हो रही है। शादी की जानकारी पूनम ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की है। एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा का एक डांस वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में मलाइका राम चाय लीला चाय सॉन्ग पर जबरदस्त अंदाज में डांस करती हुई नजर आ रही है। अभिनेत्री श्रद्धा कपूर का एक थ्रोबैक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में श्रद्धा स्टेज पर रोमांटिक अंदाज में डांस परफॉर्म कर रही है। टीवी एक्ट्रेस सारा खान कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। सारा ने इंस्टा पर पोस्ट करके फैंस के साथ ये जानकारी साझा की।